लूट और सीरियल गैंगरेप के मामले में प्रदेश में सनसनी फैलाने वाले मामले में आखिरकार प्रतापगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। प्रतापगढ़ पुलिस ने इस गैंग के 8 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, जिन्हें निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया, वहीं लूट के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 2 आरोपियों में से 1 नाबालिग है। प्रतापगढ़ पुलिस के लिए सिरदर्द बना धरियावाद थाना क्षेत्र के सीरियल गैंगरेप और लूट के मामले में पुलिस ने आखिरकार सीरियल गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपियों में से 1 जमुना शंकर मीणा को धर दबोचा। आरोपी पुलिस से बचने के लिए मुंबई भाग गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को 74 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद मुंबई से डिटेन कर धरियावाद लेकर आई और लूट और सीरियल गैंगरेप मामले में गिरफ्तार किया। एसपी अमृता दुआन ने बताया कि पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया, वहीं 1 बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने लूट के मामले में भी जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपियों को निरुद्ध किया गया है। इस मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों के पास मिले वीडियो में से 1 पीड़िता को भी ट्रेस कर लिया। पुलिस के मोटिवेशन के बाद पीड़िता ने भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि प्रतापगढ़ पुलिस ने अब इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त में आए इन दीवानों से पूछताछ में और क्या नए खुलासे होते हैं। कुछ दिनों पहले गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका खुलासा प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कर दिया गया था। उसी के क्रम में उसमें 4 आरोपी थे, 2 को गिरफ्तार किया गया था, 1 बच्चे को नाबालिग को निरुद्ध किया गया था और 1 फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ पुलिस की उपलब्धि आज ये रही है कि उस चौथे फरार व्यक्ति को भी, आरोपी को, मुंबई से लगातार 74 घंटे का आसूचना आकलन कर, लगातार ट्रैवल कर उसको मुंबई से आज कल डिटेन किया गया और आज उसको प्रतापगढ़ लाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम जमुना शंकर मीणा है और ये मुख्य आरोपियों में से है। उसके अलावा हमारे फरार चल रहे डकैती के मामले में 3 आरोपी में से भी ये 1 आरोपी है। जो 2 आरोपी डकैती के केस में भी अभी वांछित चल रहे थे प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा, उनको भी कल रात को 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 1 उसमें नाबालिग था, जिसको आज सुबह निरुद्ध कर दिया गया है। तो ये पूरा जो गैंग था, अब सभी उसके 8 के 8 जन में से 6 जो बालिग थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, वह 2 नाबालिग को निरुद्ध किया जा चुका है। तो हमारे सभी आरोपी गैंग रेप के मामले में व डकैती के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।